हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक ही फर्मे से अलग अलग चेस्ट की कटिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक ब्लाउज की और अस्तर दोनों ले लिया है, और यहाँ पे मैंने जो फर्मा लिया है वो 36 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की मैंने ली है। अभी तक मैंने आपको प्रिंसेस कट की बताई थी, तो मेरे चैनल पे है। अभी आपको मैं कटोरी ब्लाउज की बताने वाली हूँ। तो ये कटोरी ब्लाउज के फर्मा हैं और ये 36 चेस्ट की है, और हमें यहाँ पे कटिंग करनी है 35 चेस्ट। तो यहाँ पे 1 इंच का फ़र्क है, तो मैं आपको वही बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड ऐसे हैं जिन्हें ये 1 इंच या 2 इंच की फ़र्क होती है, तो उन्हें परेशानी होने लगता है कि ये अरे 36 के फरमा है तो मैं 35 का कैसे कट करूं या 34 का कैसे कट करूं। तो आज मैं वही आपके कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूं। तो यहाँ पे मैंने 36 चेस्ट के जो फरमा है वो मैंने लिए हैं, मुझे कर लेने हैं यहाँ 35 चेस्ट की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले अस्तर कपड़े को मैंने फैला दिया है, और इस पर पहले हम जो फरमा है 36 चेस्ट की, तो उसे हम पहले हम ऐसे सेट कर लेंगे कपड़े पे। तो आप इसको अब आपके जो जितने कपड़े हैं उसमें आप इसको ढंग से पहले सेट कर लें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कटोरी जो हम डालते हैं उसे हमें थोड़े से क्रॉस में डालने हैं। तो कटोरी को हम थोड़ा क्रॉस में लेंगे और ऐसे लेकर के एडजस्ट कर लेंगे सबको। उसके बाद जो हम मार्किंग करेंगे, तो उस मार्किंग में ही मैं आपको बताऊंगी। एकदम छोटा सा फ़र्क रहता है, लेकिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं वही फ़र्क जो है उसी को मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ क्या। यहाँ मैं स्लिप्स के लिए कपड़े देख लेती हूँ, तो स्लिप्स के लिए जो कपड़े मुझे चाहिए इतने हैं उसमें। तो इतने में ही हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सेट कर लेना है। तो मैं बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को सेट कर लिया है। अब हमें मार्किंग करनी है, तो मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये हमें सेट अच्छे से आप सेट कर लें थोड़ा सा भी ये। और अब हमें जो ऊपर से जो शोल्डर है, शोल्डर हमें बराबर लेने हैं। शोल्डर में कोई फ़र्क नहीं, आर्म होल में कोई फ़र्क नहीं करना है, आर्म होल भी हमें बराबर ही उतारना है। हमें यहाँ पर जो भी फ़र्क करना है वो हम जब फिटिंग के तरफ जो हम मार्जिन लेते हैं वहाँ पे हमें 1/2 इंच कम लेना है। तो देखिए ये यहाँ पे 36 चेस्ट है, तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच कम कर देना है, क्योंकि हम 35 चेस्ट के लिए बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हमने 1/2 इंच कम कर दिया है। तो मतलब ये है कि ये फरमा ऐसे अगर आप मेजरमेंट लेते तो आप चेस्ट 8.5 लेते, 8.5 में थोड़ी सी ज़्यादा आप लेते, तो मतलब 9.25 लेते, और यहाँ पर हमें 1/2 इंच कम कर देना है। और मार्जिन जैसे हम लेते हैं 1.5 इंच, वैसे ही मार्जिन जो है वो ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा फरमे को हटा करके 1/2 इंच अंदर की तरफ लाइनिंग खींच दी है। बस उसके बाद हमें जो फ्रंट पार्ट है उसे भी हमें वैसे ही निकाल लेना है। अब जहाँ से हम जॉइंट करते हैं कटोरी और फ्रंट पार्ट के पल्ले को, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, वहाँ हमें बराबर लेना है। यहाँ पर भी हम फ्रंट पार्ट, हम जो फ्रंट पार्ट के जो साइड फिटिंग है वहाँ पे हम एक पार्ट में, कटोरी में हमें कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। हमें यहाँ पे जो बढ़ाना घटाना है वो हम यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे फिटिंग लेते हैं ना, तो यहाँ फिर 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ डाउन कर देना है, और 1/2 इंच अंदर की तरफ से करके हमें लाइन खींच देनी है। बाकी सब हमें बराबर लेना है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं करना है। तो बस इतनी छोटी सी ही बात है जो कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। तो अभी आपको 1/2 इंच कम आपने कम कर दिया, हो गया। अगर आपके पास 34 चेस्ट है और आपको 35 बनानी है, तो आप वहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे। जहाँ आप घटा रहे हैं आप उसी जगह पर आपको 1/2 इंच बढ़ा देना है। लेकिन कटोरी में कोई फ़र्क नहीं आएगी, आर्म होल में कोई फ़र्क नहीं, शोल्डर में कोई फ़र्क नहीं, इवन कटोरी में कोई फ़र्क नहीं, तो कटोरी की साइड से जो हम जॉइंट करते हैं वहाँ पे हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे। सिर्फ हम फिटिंग के साइड में 1/2 इंच बढ़ाएंगे। और अभी चूंकि हमें कम करना है, 36 चेस्ट है तो हमें 35 लेनी है, तो हमने 1/2 इंच से थोड़ा कम हमने कर दिया वहाँ पे। अब जो कटोरी है, हम कटोरी हमें बिल्कुल वैसे ही उतार लेनी है। थोड़ा सा आपको अगर कम करना है, तो जहाँ से हम आई हुक की पट्टी डालते हैं कटोरी के पास से, वहाँ पे आप 1/2 इंच, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम आप वहाँ पे कम, लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतने इतने से। उतना आप कटिंग जब करेंगे तो अपने आप स्टिचिंग कटिंग में चली जाती है, तो इसलिए मैं बराबर। और टक्स वाले जगह पर हमें ऐसे मार्किंग कर देनी है जिससे टक्स लेने में कोई परेशानी नहीं हो, पता चल जाए।
तो फरमे रख करके कटिंग की मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी है, तो वो भी है यहाँ पे। मैंने फरमे से ही बताया है, बट 36 चेस्ट के फरमे से 35 चेस्ट की मैंने यहाँ पे कटिंग बताई है आपको। तो छोटा सा फर्क, यहाँ हमें सब कुछ भी नहीं करना है, सब बराबर रखना है हमें कटोरी में, कहीं कुछ नहीं बढ़ाना है किसी तरह से, कुछ भी नहीं। अभी हो चुकी है तो यहाँ हम कर लेते हैं सबकी कटिंग, और कटिंग करने के बाद फिर स्लीव्स की कटिंग और फिर बेल्ट की कटिंग हमें कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सबकी कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, अब यहाँ मुझे स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो बस स्लीव्स के फरमा लेना है। और चूँकि यहाँ पे भी हमें आर्मोल वगैरह में ज़्यादा कुछ फ़र्क करना नहीं है, बस हाफ इंच से भी थोड़ा कम आप कर सकते हैं, मतलब एक दो सूत कम कर सकते हैं, वैसे इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चूँकि जब फिटिंग डाल लेते हैं ब्लाउज तैयार करने के बाद, तो थोड़े बहुत आप छाँटते हैं तो उसमें निकल जाते हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आप बहुत से बहुत हाफ इंच से थोड़ा कम यहाँ पे साइड से आप कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की नहीं है। मुझे यहाँ 6.5 इंच स्लीव्स की लेंथ लेनी थी, तो मैंने यहाँ 7.5 इंच पे इसकी मार्किंग करके कटिंग कर ली है। इतने कपड़े थे तो स्लीव्स भी कट गए हैं। अब हमें यहाँ पर जो साइड से मैं कट करके निकाल देती हूँ, और इसे हम बाद में फिटिंग के टाइम पे भी कट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे रख लेती हूँ, और स्लीव्स में थोड़े बहुत कपड़े अगर एक्स्ट्रा बढ़ते भी हैं, तो जब हम सेंटर से सिलाई में करना, आपको बताती हूँ हमेशा स्लीव्स अटैच करना, तो वैसे आप करेंगे तो अगर जो एक्स्ट्रा होंगे दोनों साइड से बच जाएंगे, तो आप उसे छांट के निकाल सकते हैं। लेकिन कम पड़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसलिए थोड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो चलता है, कम नहीं होना चाहिए। तो कम हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा हो जाएंगे तो आप छांट के उसे निकाल सकते हैं। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब मैं बेल्ट निकाल लेती हूँ, जो कपड़े हैं मैं उसमें बेल्ट निकालूंगी। हमें यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े में हो सकता है मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो होता है कभी जैसे कपड़े कभी कभी कम आ जाते हैं, तो आपको उसी में सारी कटिंग करनी होती है। तो आप यहाँ पर बेल्ट में आप कपड़े जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेन कपड़े ब्लाउज के फिर ऊपर से देने होते हैं, तो आप अंदर में जॉइंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बेल्ट कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो पहले ये कटिंग कर लेती हूँ मैं।
अब यहाँ मैं मेन फैब्रिक ले रही हूँ, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इसमें प्रिंट है, फ्लावर बने हुए हैं, तो ये थोड़ी ही दूर में बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। और देख सकते हैं इधर सादा है, तो यहाँ पर हाफ में सादा है, कुछ नहीं है, प्रिंट है सिर्फ। तो उधर स्लिप्स ले लेनी है, उधर पूरे में फ्लावर बने हुए हैं, तो वो मैं स्लिप्स पर कटिंग करूँगी। तो ये सब चीज़ भी आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप बिगनर्स है तो, कि जब कपड़े के ब्लाउज आते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके से प्रिंट होती है। जैसे आपने इसमें देखा कि हाफ़ में फ्लावर बने हुए, हाफ़ खाली है, एक तरफ से पूरे फ्लावर बने हुए बॉर्डर जैसे, तो उसको हमें स्लीव्स पर ये इसे हम मैं फोल्ड करके इसे हम बैक में ले लेंगे। तो ये पूरे जो पीछे वाले हैं इसे हमें बैक में ले लेना है, बैक की कटिंग कर देंगे तो बैक में पूरी फ्लावर आ जाएगी। स्लीव्स में हमें बॉर्डर वाली फ्लावर ले लेनी है और बाकी आगे के जो पार्ट्स हैं उसे हम सादा में जो है उसमें हमें ले लेनी है। तो आप देखिए कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, तो इस तरह से हमें रख के और सेट कर करके हमें सबकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं फटाफट सबकी कटिंग करती हूँ, आप देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे सबकी कटिंग एक एक करके एक एक पार्ट की मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ा के कटिंग कीजिएगा, अस्तर से थोड़ा बढ़ा के हमें कटिंग करना है, क्योंकि जब हम दोनों कपड़े को सिल्क की सिलाई करते हैं, अस्तर और ब्लाउज के मेन फैब्रिक को, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसे हमें कट करके निकाल ही देना होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके ले, क्योंकि कुछ कपड़े फिसलने वाले होते हैं तो स्टिचिंग के टाइम पे फिसलने लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना चाहिए।
तो इस तरह से मैंने सबकी कटिंग कर ली और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है कि अगर आपके फर्मा ज़्यादा चेस्ट के हो और आपको कम चेस्ट की कटिंग करनी हो तो आप कहाँ पे क्या कम करेंगे, आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। और कपड़े को हमेशा थोड़ा बढ़ा के कटिंग करनी है, तो इस तरह से मेरी जो पूरी कटिंग है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो मैं डालूंगी और हो सके तो मैं इसकी फुल ट्यूटोरियल भी डालूंगी कटिंग और स्टिचिंग की एक साथ में, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाती है एक साथ देखने में। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको।